मुमरा के अंदर फिर एक बार मनपा द्वारा कार्रवाई हुई है और काफी अमृत नगर से लेके दारूफला के जो सामने का जो हिस्सा है और किस्मत कॉलोनी के अंदर से लेके, जैसे कि आप देख सकते हो कि मनपा ने सारी हाथ गाड़ियां उठा के लेके आए, और जिस तरीके से देखो आप कि मतलब उसको पूरा तहस नहस कर दिया, उसको पूरा तोड़ दिया, उसको पूरा मतलब एकदम खत्म कर दिया, ताकि ये आगे चल के फिर वापस जो है मतलब ये ट्रैफिक का भीड़ ना कर सके। और ये बहुत अच्छी बात है कि चलो ये कार्रवाई हो रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए एक तकलीफ है कि जो लोग ये मतलब हफ्ता लेके और गाड़ियां लगवाते हैं वहां पे खड़े रह के, हमने देखा कि मुमरा पब्लिक स्कूल के अंदर गली में जब हम गए और एक गाड़ी वहां से जब मनपा द्वारा जब उठा रहे थे गाड़ी वहां पर, तो वहां पे कुछ नशा करने वाले कुछ लड़के लोग बैठे थे, बोले अब वो आ गए मतलब कि हाँ हमारा गाड़ी उठाओ मत करके हम लोग। तो ऐसे लोग जो है वो 100-200 रुपए के लिए गाड़ी लगवाते हैं और वहाँ पर पूरा गली में जो है पूरा भीड़ पूरा ट्रैफिक जाम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज मुमरा कौसा के अंदर ये चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हो थाना के अंदर या खारेगांव के अंदर और गली गली के अंदर एक सिस्टम है और साफ़ सुथरा पूरा एरिया रहता है। तो इन चीज़ों को हटने से मतलब एक एरिया भी अपना अच्छा रहेगा और ट्रैफिक का भी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ मनपा द्वारा इस तरीके से कार्रवाई मतलब होना चाहिए कि मतलब ये हमेशा के लिए ये चीज़ें खत्म हो जाए। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।